लंबे दरवाजे बहुत भारी और मजबूत लकड़ी से बने होते हैं। इसमें कंक्रीट के लोहे के भाले वाले नाखून हैं। विरासत का खजाना इसकी विरासत है जो विरासत को बताती है। संस्कृत शब्द का प्रयोग कभी कभी उच्चतम बौद्धिक प्रयासों पूर्णता और सुंदरता की खोज के लिए किया जाता है। संस्कृत दुनिया में सोचा और जानने जाने वाला सबसे अच्छा है। जब हम आमतौर पर संस्कृत को किसी विशेष समाज समूह स्थान समय के विश्वासों रीति रिवाजों भाषा और किलाओं साझा मूलों पारंपरिक और रीति रिवाजों के लिए प्रतीकों और अभिव्यक्ति के बारे में सोचते हैं। संस्कृत विरासत को आमतौर पर निर्मित विरासत संस्कृत से संबंधित स्मारकों जैसे संग्रहालय धार्मिक भवनों प्राचीन संरचनों स्थानों के मूल में साझा जाता है। हालांकि हमें संस्कृत विरासत के रूप में किसी भी स्थान को थोड़ी कम भौतिक चीज़ अर्थात कहानियों का विकास नाटक व्यंजन रीति रिवाज फैशन डिजाइन संगीत गीतों और स्मारकों समारोहों को भी शामिल करना चाहिए। ये एक सांस्कृतिक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है और उतनी ही महत्वपूर्ण है। समाज ने लंबे समय से अपनी संस्कृत विरासत की रक्षा की मांग की है। शिक्षा से लेकर रहता शिक्षा तक पहचान की भावना को सुदृढ़ करने की इच्छा के लिए कारण है। सांस्कृतिक पहचान और सांस्कृतिक विरासत सभी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इमारतें स्मारक और संस्कृति का प्रतीक जो साझा जुड़ों की बातें करते हैं उनका महत्व बढ़ जाता है। तदनुसार वे हिंसक और दमनकारी कार्रवाई का लक्ष्य बन जाते हैं जो दुश्मनों द्वारा मूल्यवान प्रतीकों और वैकल्पिक विश्वासों और परंपराओं से जुड़ी प्रतिमाओं को नष्ट करना चाहते हैं। अनूप महल एक बहुमंजिला इमारत है जो इतिहास में साम्राज्य का मुख्यालय हुआ करती थी। इसकी सीलिंग लकड़ी और कांच की मदद से की गई है। साथ ही इसमें इटालियन टाइलों और जालीदार खिड़कियों और बालकनी का इस्तेमाल किया गया है। इस महल में सोने के पत्ते में कुछ कलाकृतियां भी बनाई गई है जिसका एक विशाल निर्माण भी जाना जाता है। यह है एक बहुमंजिला संरचना है जो शासन के सरकारी मुख्यालय के रूप में कार्य करती थी। कांच जड़े काम के साथ अलंकृत लकड़ी की छत के साथ कमरे सुंदर हैं। फर्श पर इटालियन टाइल्स हैं और महल की भीतरी दीवारों पर आकर्षक लाल और सोने के लाहे का काम है। सोना मड़वाया पंतिया सफ़ेद प्लास्टर के खंभे को ढकती है। फूल महल फ्लावर पैलेस किले का मुख्य सबसे पुराना हिस्सा है जिसे बीकानेर के राजा राय सिंह ने बनवाया था जिसका शासन का 1571 से लेकर 1668 तक था। फूल महल या फ्लावर पैलेस सजावट के लिए दर्पणों का उपयोग करता है जिसे राजा राय सिंह ने बनवाया था। गंगा महल का निर्माण 20वीं शताब्दी में गंगा सिंह ने करवाया था जिन्होंने 1887 से लेकर 1943 तक 56 वर्षों तक शासन किया। इस किले में एक विशाल दरबार हॉल है जिससे गंगा सिंह हॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसे 20वीं शताब्दी में गंगा सिंह ने बनवाया था। इनमें एक बड़ा हॉल था गंगा सिंह हॉल जो एक संग्रहालय के रूप में कार्य करता है। संग्रहालय में शाही परिवार से संबंधित गहने हथियार और गोला बारूद चित्र और वेशभूषा का विशाल संग्रहालय है जिन्हें फोमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। परिधानों कालीनों और अन्य वस्त्रों का समृद्ध संग्रहालय कारीगरों की कारीगरी का एक अद्भुत प्रदर्शन है जिससे जरदोजी बदला और कलाभूर्ति जैसे कार्यों का प्रदर्शन किया जाता है। संग्रहालय में एक मंदिर गैलरी हस्तनिर्मित पोशाक गहने और मुकुट भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि
कि इन्हें शाही परिवारों की निवासी देवी या कुल देवियों ने पहना था। पोर्ट्रेट गैलरी में बीकानेर के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं का के साथ साथ उनके सभी फाइनरी के साथ साथ सामूहिक तस्वीरों में कई काले और सफ़ेद चित्र और रॉयल फैमिली के लघु चित्र हैं। बीकानेर हवेली बीकानेर की विशेष और प्रसिद्ध वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। बीकानेर शहर के अंदर और बाहर दोनों जगह स्थित है। बीकानेर देखने आए विदेशी पर्यटक आंद्रे हौसल ने कहा है कि इन हवेलियों की बीकानेर पर गर्व है। किले में खूबसूरत दरवाजे आश्चर्यजनक नक्काशी के साथ कश्मीरी से अखरोट की लकड़ी से बने हैं। करण महल के बाद आंगन की ओर प्रवेश करते समय 65 किलो वजन चांदी का बड़ा दरवाजा भी देखा जा सकता है। करण महल निर्माण करण सिंह ने 1680 ईस्वी में कराया था। इसे मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ जीत की खुशी में बनाया गया था। इस महल के पास एक बगीचा भी बनाया गया है और ये राजस्थान के प्रसिद्ध और विशाल राज्यों में किलों में से शामिल है। ये किला राजस्थान की ऐतिहासिक वास्तु किला को दर्शाता है। ये महलों में सबसे भव्य और इसे करण सिंह के औरंगजेब पर अपनी जीत की जश्न बनाने के लिए बनवाया था। इसमें शहर राजस्थानी शैली में कांच की खिड़कियां और नक्शेदारी बालकनियां हैं। किले की खिड़कियां रंगीन कांच से बनी है और जटिल रूप से चित्रित बालकनी का निर्माण घड़ी से किया गया है। बाद में राजस्व अनूप सिंह और सूरज सिंह जी ने भी महलों को चमकीला बनाने के लिए उनकी मरम्मत की, शीशे लगवाए और लाल और सुनहरे रंग का पेंट बनवाया। सिंह कक्ष में एक मजबूत आला भी है जिसका उपयोग सिंहासन के रूप में भी किया जाता है। बादल महल अनूप महल के अस्तित्व का एक ही हिस्सा है। ये शेखावटी दुन लोधी की एक पेंटिंग है जो बीकानेर के महाराजा को अलग अलग पेगोडिक में सम्मानित कर रही है। कीलों, लकड़ी, तलवार और आरी पर खड़े लोगों के चित्र भी हैं। महल की दीवारों पर हिंदू देवताओं भगवान श्री कृष्ण के चित्र भी बने हैं। बादल महल या बादलों के महल को सुंदर भित्ति चित्रों के लिए भी जाना जाता है जो बारिश के बादलों के बीच भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा को भी दिखाते हैं। चंद्र महल किले का सबसे भव्य और भव्य कमरा चंद्र महल है जिसमें सोने से बनी देवी देवताओं की कला और पेंटिंग लगी हुई है। इसमें कीमती रत्न भी जड़े हुए हैं। ये शाही रशियन कक्ष में शीशा इस तरह से लगाया गया है कि राजा अपने बिस्तर पर बैठकर देख सके कि उनकी कमरे में कौन प्रवेश कर रहा है। ये एक बड़ा परिसर है और किले के अंदर प्रदर्शित होने वाली हर चीज़ को देखने में कम से कम 2-3 घंटे लगे। कला, इतिहास और संस्कृति की विरासत समझने के लिए आपको एक निजी गाइड को किराए पर लेना चाहिए। बीकानेर राजस्थान के सुशोभित किले में से एक है और वास्तव में राज्य का सबसे रंगीन किला है। ये सुंदर टाइल के काम, दीवारों पे पेंटिंग, दीवारों पे जटिल कलाकृति और कुछ गलियारों में बहुत अधिक सुनहरे काम से सुशोभित है जिसे मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। किले में अत्यधिक सोने के काम के पीछे एक कहानी है। अंग्रेजों ने 1818 में बीकानेर के महाराजा के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए और शहर अंग्रेजों के स्वतंत्रता के अधीन आ गया और अंग्रेजों द्वारा युद्ध में हस्तक्षेप करने और बीकानेर और जोधपुर के शासकों के बीच लड़े जा रहे युद्ध को समाप्त करने के बाद संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। जूनागढ़ किले के दो प्रवेश द्वार क्षतिग्रस्त हो गए हैं। महाराजा राय सिंह ट्रस्ट महाराजा राय सिंह को बीकानेर के शाही परिवार ने बनवाया था ताकि वे पर्यटन से संबंधित किले के इतिहास के बारे में अधिक जानकारी बता सके। साथ ही ट्रस्ट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्यों में शिक्षा, संस्कृति और लोगों को विकास करना था।
किले के अंदर बने संग्रहालय का नाम जूनागढ़ किला संग्रहालय रखा गया है, जिसे 1961 में महाराजा डॉक्टर करी सिंह द्वारा महाराजा राय सिंह ट्रस्ट के निमंत्रण में स्थापित किया गया था। इस संग्रहालय में परिसर और मनुस्मृति की मूर्तियां, ऐतिहासिक पेंटिंग, आभूषण, शाही पोशाक, शाही फरमान, गैलरी, रीति रिवाज और देवी का प्रदर्शन किया जाता है। यह संग्रहालय एक शस्त्रकार भी है, जिसमें पिछले युद्धों की यादें सजाई गई हैं। संग्रहालय में पोशाक या कॉस्ट्यूम के लिए एक अलग खंड है, जिसमें परिधानों का एक स्मृत संग्रहालय है, जो जड़दोजी, बदला और कलामूर्ति जैसे काम के साथ कारीगरी की कारीगरी का अद्भुत प्रदर्शन है। संग्रहालय में मंदिर गैलरी भी है, जिसमें हाथ में बने पोशाक, कपड़े, गहने, मुकुट भी हैं, जिन्हें शाही परिवार की निवासी देवी या कुल देवी द्वारा पहना जाता है। पोस्टर गैलरी में पारंपरिक वेशभूषा में पुरुषों और महिलाओं के कई श्वेत शायम चित्र हैं। लघु चित्रों के साथ साथ महत्वपूर्ण घटनाओं की समूच तस्वीरें भी हैं। जूनागढ़ किला परिसर में स्थित प्राचीन संग्रहालय की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। संग्रहालय में गहने, कालीन, हथियार, चित्र, वस्त्र, दुर्लभ पंडुलिपियां और परिधान वस्त्र, फोरमेन, सजावटी वस्तुओं का अद्भुत संग्रहालय है और शाही परिवार से संबंधित सिंधिया हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के नेतृत्व में बीकानेर राज्य बलों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की मान्यता से में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई युद्ध स्मृति चिन्ह भेंट किए, जिनमें से दो DH-9DE हैवीलैंड युद्ध विमानों के मार गिराए गए हिस्से थे। इन युद्ध ट्रॉफियों को 1920 के आसपास जहाज द्वारा बीकानेर राज्य बलों के साथ बीकानेर ले जाया गया था। बीकानेर के महाराजा डॉक्टर करणी सिंह जी DH-9DE हैवीलैंड ट्रॉफी को ठीक से बहाल करने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्हें 1985 के आसपास स्थानीय कारीगरों की मदद से इन दो युद्ध स्मृति चिन्हों के 6 भागों से एक पूर्ण ट्रॉफी को इकट्ठा किया गया था। और तब अब स्वर्णीय महाराजा करण सिंह जी के समय में से किले के विक्रम विला डबल हॉल में प्रदर्शित किया गया था। महाराजा डॉक्टर करण सिंह के निधन के बाद उनके द्वारा उधार दी गई ये युद्ध स्मृतिका सहित और सभी कलाकृति बीकानेर के दिव्यांत महाराजा डॉक्टर करण सिंह जी की संपत्ति बन गई और जनता के दर्शन के लिए उनकी संपत्ति के निष्पादों के महाराजा को ऋण पर है। प्रवेश द्वार पर सती के निशान देखे जा सकते हैं, जो उन महिलाओं के हैं जिन्हें किले को बचाने के लिए अपने पति की मृत्यु के बाद खुद को आग लगाने की पेशकश की थी। जूनागढ़ किला संस्कृति और विरासत में समृद्ध है। किले की दीवारें वीरता और विजय की गाथाओं का एक विषमतम है, क्योंकि किले की इन अजय दीवारों की कई शताब्दियों के अनगिनत किस्से दिखे हैं। किले की वास्तुकला भारत में विभिन्न संस्कृतियों के सामने का प्रतीक है, जैसा कि जिसके डिजाइन और तकनीक से देखा जाता है। ये किला वास्तव में भारत की विशाल और विविध संस्कृतियों का एक प्रतिनिधित्व कराता है और किला और डिजाइन के लिए अपने लोगों के प्यार को दर्शाता है। इसलिए ये किला वास्तुकला और इतिहास के प्रेमियों के लिए एक जरूरी यात्रा है, क्योंकि ये गर्व से खड़ा है, दोनों का एक आदर्श नमूना है। इस डॉक्यूमेंट में इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा कंटेंट को तो इसे लाइक करें और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं।